आज हम इस प्रकार का एक सुंदर सा गोल पायदान बनाएंगे। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। डोरमेट में किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है। चारों तरफ देखने पर यह पता चल जाता है कि डोरमेट में किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है। डोरमेट पूरा बनने के बाद में दोनों पट्टियों को कच्चे की सहायता से काट लेते हैं और वहां पर सिलाई कर देते हैं और हमारा क्लोथ डोरमेट क्लोथ हो जाता है। दूसरी तरफ इस प्रकार से सपोर्ट वाली पट्टी को कैंची के साथ से हटा लेते हैं और पीछे की ओर ब्लू कलर वाली पट्टी को पीछे की ओर फंदों में पट्टी को फंसा देते हैं और हमारा डोरमेट क्लोज हो जाता है और पीछे की ओर पट्टियों को काट देते हैं और वहां पर सिलाई कर देते हैं। इस प्रकार से हमारा डोरमेट क्लोज कर देते हैं। आज हम दो कलर की पट्टियां ली है। इनकी चौड़ाई 4 इंच ली गई है। सभी पट्टियां साड़ी की ली गई है और सभी पट्टियों की लंबाई साड़ी की लंबाई के अनुसार कैंची की सहायता से काट लेते हैं। दोनों पट्टियों के हिस्से को 2 अंगुलियों पर 1 राउंड लगा लेते हैं और ब्लू कलर वाली पट्टी पर एक सेफ्टी पिन अटैच कर देते हैं दूसरे हिस्से पर और सेफ्टी पिन की सहायता से 2 उंगलियों पर नोट लगाते हुए एक रिंग की गुथाई कर रहे हैं वीडियो रिकॉर्डिंग के अनुसार। इस प्रकार से एक रिंग की गुथाई कर लेते हैं। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। इनको लूप बोलते हैं, इनको फंदे बोलते हैं। इसके अंदर के ही साड़ी की पट्टियां निकालते हैं डोरमेट बनाने के लिए। एक राउंड पूरा होने के बाद में पट्टी को चेंज कर लेते हैं। अब ऑरेंज कलर की पट्टी द्वारा डोरमेट की गुथाई करेंगे और ब्लू कलर वाली पट्टी को सपोर्ट में रखेंगे। ये हमारा पहला राउंड शुरू हो रहा है और पहले राउंड में 1 फंदे में 2 फंदे निकाल रहे हैं। कहने का मतलब 1 फंदे में 2 नोट लगा रहे हैं। अब अगले फंदे में 1 फंदे में 2 नोट लगाएंगे। ये फर्स्ट नोट लगा चुके हैं। उसी फंदे में आप दूसरी नोट लगा रहे हैं। ये सेकंड नोट लगा चुके हैं। इस प्रकार से इस राउंड में 1 फंदे में 2 नोट लगाएंगे। इस प्रकार से हमारा दूसरा राउंड पूरा हो जाता है। ना हमारा पहला राउंड पूरा हो जाता है। राउंड पूरा होने के बाद में पट्टी को चेंज कर लेते हैं। ये हमारा दूसरा राउंड शुरू हो रहा है और दूसरे राउंड में 1 फंदे में 1 ही फंदा निकाल रहे हैं। इस प्रकार से हमारा दूसरा राउंड पूरा हो जाता है। हर बार राउंड पूरा होने के बाद में पट्टी को चेंज कर लेते हैं। यह हमारा तीसरा राउंड शुरू हो रहा है और तीसरे राउंड में 1 फंदे में 1 ही फंदा निकाल रहे हैं।
इस प्रकार से हमारा तीसरा राउंड पूरा हो जाता है। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। अब तीसरे राउंड में फंदों का आकार घट चुका है। एक पट्टी खत्म होने के बाद में दूसरी पट्टी लेते हैं और सुई धागे की सहायता से सिलाई करके अटैच कर देते हैं। राउंड पूरा होने के बाद में पट्टी को चेंज कर लेते हैं। यह हमारा चौथा राउंड पूरा है। चौथे राउंड में एक फंदे में दो फंदे निकाल रहे हैं। इस राउंड में फंदों का आकार घट चुका है और जब फंदों का आकार घट जाता है तो डोरमेट में छोर पड़ने की पूरी पूरी संभावना बन जाती है। डोरमेट एक टोपी का आकार बन जाता है। उस टोपी के आकार को रोकने के लिए इस राउंड में एक फंदे में दो फंदे निकालेंगे, जिससे डोरमेट का आकार भी बढ़ेगा और डोरमेट में आने वाला झोल भी दूर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा राउंड पूरा हो जाता है और राउंड पूरा होने के बाद में पट्टी को चेंज कर लेते हैं। ये हमारा पांचवा राउंड पूरा रहा है और पांचवे राउंड में एक फंदे में एक ही फंदा निकाल रहे हैं। प्रकार से दो तीन राउंड लगा लेते हैं एक फंदे में एक फंदे का और दो तीन राउंड लगाने के बाद में फंदों का आकार घट जाता है। इस राउंड में और इस राउंड में फंदों का आकार घट जाता है तो राउंड भरने के बाद में हम इस राउंड में एक फंदे में दो फंदे निकालेंगे। राउंड पूरा होने के बाद में फंदों पट्टी को चेंज कर लेते हैं। अब इस राउंड में एक फंदे में दो फंदे निकाल रहे हैं। इस प्रकार से यह हमारा राउंड पूरा हो जाता है एक फंदे में दो फंदे निकालते हुए। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। फंदों का आकार आधा हो चुका है कि एक फंदे में दो फंदे निकालने से फंदों का आकार आधा हो चुका है और हमारा डोरमेट का आकार भी बढ़ेगा और डोरमेट में आने वाला झोल भी दूर हो जाएगा। राउंड पूरा होने के बाद में पट्टी को चेंज कर लेते हैं। अब इस राउंड में एक फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे। इस प्रकार एक फंदे में एक फंदा निकालते हुए दो तीन राउंड लगा लेते हैं। वो दो तीन राउंड लगाने के बाद में फंदों का आकार घट जाता है और जब फंदों का आकार घट जाता है तो उस राउंड में एक फंदे में दो फंदे निकालेंगे। इस नियम के अनुसार जितना बड़ा डोरमेट बनाना चाहते हैं उतना बड़ा डोरमेट बना सकते हैं। इस प्रकार से हमारा डोरमेट बनकर तैयार हो जाता है और पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। डोरमेट में किसी प्रकार का झोल नहीं है। दोनों तरफ सेम डिजाइन बनती है। जब डोरमेट को पूरा बना लेते हैं तो पूरा बनाने के बाद दोनों पट्टियों को सुई धागे की कैंची की सहायता से हटा लेते हैं और वहां पर सुई धागे की सहायता से पीछे की ओर सिलाई कर देते हैं।
और सपोर्ट वाली पट्टी को कैंची की सहायता से हटा लेते हैं और ब्लू कलर पट्टी वाली पट्टी को पीछे की ओर फंदों में फंसा देते हैं। वो फंसाने के बाद में दोनों पट्टियों को कैंची की सहायता से काट देते हैं और वहां पर सुई धागे